खास तौर से नए लोगों से क्या है? बताएं कि आपने आप बताएं क्या होती है लड़की? आप तो पुराने हैं, 5 साल पुराने हैं आपसे लड़के, तुम बताओ यार क्या होती है जाति सफाई? गुड, वेरी गुड। आप बताएं, आप ही नए हैं ना, बैठे बैठे बैठ के बताएं जाति सफाई क्या होती है? अपने सफाई जैसे नाखून, बाल। अच्छा ठीक है, यहाँ हम खासतौर से नयों को मैं कह रहा हूँ, सिर्फ चंद चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। ज़ाती सफाई में ये चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ ज़ाती सफाई क्या है तो इसका जवाब बहुत आसान है। ज़ाती सफाई हमें साफ और सेहतमंद जिस्म देती है। साफ, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, और सेहतमंद जिस्म। मैं यहाँ साफ जिस्म भी लिख सकता, मैं यहाँ सेहतमंद जिस्म भी लिख सकता। मैंने क्यों साफ और सेहतमंद लिखा, उसकी एक खास वजह है। एक मिसाल लेते हैं, ये बताइए सेब खाने से ताकत, तुम बताओ सेब खाने से ताकत आती है या कमजोरी? ताकत। तो अब आप लोगों का क्या ख्याल है, अगर एक बड़ा सा सेब मैं मंगवाऊं लाल सा और वो खाऊं तो मुक्का मार के इस टेबल के दो कर सकता हूं कि नहीं? क्यों, आप तो कह रहे थे ताकत आती। भाई ताकत आती है तो मुक्का मार के इस टेबल के दो क्यों नहीं कर रहा मैं, सोचे ना? तो या आप बोल दें कि ताकत नहीं आती, से आती है तो मुक्का मार के टेबल के दो नहीं कर सकता? हाँ कर सकता हूँ, दो तीन कॉम का कर सकता हूँ। देखे मैं आपको बताता हूँ, ये तो मिसाल थी। अगर 25 साल तक मैं रोज सुबह से खाता हूँ, हर मौका मार के तो जब भी दो नहीं कर सकूंगा, लेकिन ये फैक्ट है कि उससे कुछ ताकत में फर्क पड़ेगा मेरे? इसका मतलब ये है कि पर्सनल हाइजीन अगर आज नहा लिए, आज नाखून काट लिए, आज दांत ब्रश कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ साफ जिस्म है। सेहतमंद जिस्म जब मिलेगा, जब हमेशा इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, जब हमेशा रोज नहाएंगे, हर दफा नाखून काटेंगे, रोज शेप बना के रखेंगे। ये नहीं आज रिजवान साहब आने वाले हैं जूते पॉलिश करने, कल फिर वो भी आ रहे हैं। हाँ क्या, समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है अगर इसमें महारत हासिल करनी है, और ये तो बचपन से माँ बाप भी कहते हैं। दूसरी अहम चीज जो जाती सफाई आपको देती है वो है जरासीम, बीमारियों और इन्फेक्शन से। जरासीम और बीमारियां तो आप समझ रहे होंगे कि साफ सुथरा रहेंगे तो जरासीम नहीं आएंगे, बीमारियां नहीं। इन्फेक्शन क्या चीज है, कुछ तो नहीं बताता हूँ, टाइम की वजह से मुख्तसर बहस करनी पड़ेगी। इन्फेक्शन देखें एक ऐसी चीज होती है।